हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज मैं आपको इस यूएसडी रजिस्टर की पांच अच्छाई और पांच बुराई बताने वाली हूँ। तो दिल थाम के बैठिए पांच अच्छाई और पांच बुराई सुनने के लिए। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए बताते हैं। तो गाइस, इसकी पाँच अच्छाई बताऊँ पहले कि पाँच बुराई बताओ? बताइए, पहले पाँच अच्छाई बता दीजिए मैम आप। तो फ्रेंड्स, इसकी पाँच ये अच्छाई है। पहली अच्छाई कि जब मैं ये एसडी रजिस्टर को, जब ये रास्ते में मेरे हस्बैंड जी चलाते हैं, तो सब लोग इसको पूरे घूम घूम के देखते हैं, पलट पलट के देखते हैं कि ये क्या आ गया है। तो इसका दीक्षा का कहने का मतलब है कि नंबर वन अच्छा ये है कि हेड टर्नर बाइक है। आप इसे कहीं भी लेके निकलोगे, चाहे वो यंगस्टर हो, चाहे वो बूढ़े लोग हो, चाहे वो बुजुर्ग लोग हो, सब लोग घूर के और एक बार कॉम्प्लीमेंट तो जरूर देते हैं, और वो लोग बिल्कुल भी नहीं शर्माते कि अच्छा। जब हम लोग फाटक के पास खड़े थे ना, तो वहाँ से जब हम लोग वापस आ रहे थे, तो दो अंकल थे जो दादाजी की उम्र के, वो देख रहे थे और दिखा रहे थे कि और अंकल को। हाँ, तो ये तो इसकी जो लुक है ना गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये लुक जो है, ये लुक के वजह से हेड टर्नर बाइक कहा जाता है इसको। तो नंबर टू अच्छाई बता दीजिए। नंबर टू अच्छाई ये है कि इस, मैं भूल गई। अच्छा, नंबर टू अच्छाई इसकी ये है कि इसका लुक तो आप समझ गए हेड टर्नर है। दूसरा, इसमें जो डुअल साइलेंसर है वो इस सेगमेंट के बाइक में नहीं मिलने वाला। जाइए, आपको डुअल साइलेंसर दिखाते हैं। कहाँ है दिक्षु, डुअल साइलेंसर दिखा दो। यहाँ पे देख सकते हैं, डुअल साइलेंसर वाला लुक आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तीसरा, इस प्राइस सेगमेंट में आपको डिजिटल मिलता है। एक बार ऑन करके दिखा दीजिए। बस गाड़ी स्टार्ट नहीं करना, बस ये डिजिटल स्पीड हो गया। और नंबर तीन अच्छा है क्या है दीक्षु, कि इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है, इसमें आपको डुअल साइलेंसर वाला इंजन मिलता है, इसमें टर्बो कूलेंट चार्ज जो होते हैं, लिक्विड कूलेंट का प्रोविज़न मिलता है, जो हार्ले डेविडसन में ही मिलता है। और इसकी जो LED लाइट है वो भी आपको मिलता है, और किसी में नहीं मिलेगा आपको। बाकी आजकल हैलोजिन लाइट यूज़ करते हैं। तो ये हो गई चार अच्छाई। पिलियन के लिए जो काफ़ी कुशनिंग होता है, आपको फील नहीं होगा क्योंकि आप तो यहाँ बैठ के चलाते हैं, जो लेडीज़ यहाँ बैठती हैं उनको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होता है इस बाइक से। ठीक है, ये तो था पांच अच्छाई। अब दीक्षु, आप बताइए पांच बुराई। पांच बुराई, तो पहली बुराई ये कि इसकी माइलेज बहुत कम है ना। वेरी गुड। और माइलेज इसकी 28 से 30 आती है हाईवे पे, इस तरह के हाईवे पे। ठीक है, जैसे हम सिटी पे लेके जाते हैं तो 25 से भी कम हो जाता है। और ये गाड़ी सिटी पे लेके जाने पे रुक जाती है, फिर इसका वो उससे ये, हाँ ये इसकी दूसरी बुराई है कि कभी भी ये गाड़ी रुक जाएगी, सबके सामने आपका इंसल्ट करा देगी। ठीक है, पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम है। और तीसरा प्रॉब्लम ये है इसकी कमी कि कोई भी पार्ट्स खराब हो गया, अगर आप सर्विस सेंटर जाते हैं तो आपको हफ्ता से 10 दिन के लिए वेट करना पड़ता है, और गाड़ी आपको सर्विस सेंटर में ही छोड़नी पड़ती है। तो ये हो गई तीसरी। चौथा बुराई क्या है दीक्षु, बता दो। चौथा बुराई ये है कि इसको रखने के लिए बहुत स्पेस चाहिए। हाँ, इसको रखने के लिए बहुत स्पेस चाहिए। तो नंबर वन बुराई थी, बुराई नहीं बोल सकते, कमी बोल सकते, जिस पे वर्क करना चाहिए यसडी और जावा को। नंबर वन माइलेज पे, नंबर टू इसके स्पेयर पार्ट पे, और नंबर थ्री इसके सर्विसिंग को और इन्हेंस करना चाहिए। हाँ, गाड़ी खराब हो जाती है तो हम इसे 10 दिन छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर जगह जाना आना, तो इसको हम 10 दिन छोड़ तो नहीं सकते ना, तो सबसे पहले सर्विसिंग में ही वर्क करना चाहिए। हाँ, तो चलिए गाइस, तो ये थी इसकी अच्छाई और बुराई। तो अगर आपको कुछ भी और भी डाउट रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं। तो दीक्षु, आप बता दीजिए और कुछ कहना चाहती हैं आप इस ब्लॉग में? एक और बुराई है, स्टार्ट। एक और बुराई है कि इसकी मिरर से हमारा फेस काला काला होता है, जब मैं देखती हूँ तो पूरा फेस एकदम पूरा ब्लैक आता है। इसकी मिरर में ही कोई प्रॉब्लम नहीं? मिरर में प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्चुअली मिरर जो है बहुत अच्छा है, इनहेंस मिरर है। मिरर की क्वालिटी तो घास, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छी है। ठीक है दीक्षु, ठीक है, चलिए बाय गाइस, यहीं पे ब्लॉग को एंड करते हैं। हमारा छोटा सा ब्लॉग था, तो ये है यसडी की पांच अच्छाई और पांच बुराई। तो फिर भी आप ले गाड़ी, और यसडी का प्राइस मैं हमने नहीं बताया, इसकी का प्राइस है 2,33,000 में हम लोगों ने खरीदा है, ये BH नंबर के साथ। और अगर आप नॉर्मल नंबर लेंगे तो 2,55,000 पड़ेगा। हाँ, नॉर्मल नंबर लेंगे तो 2,55,000 पड़ेगा, पर इसका भी हमें देना पड़ेगा पैसे बाद में। तो मैंने 2,55,000 और 10,000 आपके एक्सेसरीज में लगेंगे। तो अगर आप इस बाइक को अपने धन्नो बनाना चाहते हैं तो आपको करीब 2,55,000 वो और 10,000 की एक्सेसरीज। हमारा एक साल हो गया है, हमने एक साल में अभी तक चलाया बहुत कम है, क्योंकि हम लोग, हमारा
कोर्स आ गया था, बट ये बाइक का बर्थडे हो चुका है फरवरी में। तो गाइस यही थी इसकी 5 अच्छाई 5 बुराई। तो मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, दीक्षु बाय गाइस टाटा।